गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं, मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं, उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास, ये पाप नाशक मेडिसिन पहले भी थी अपने सदग्रंथों में, कबीर सागर में, कबीर जी की वाणी में, लेकिन इसकी खोज नहीं हुई थी। अब इस दास पर दया करी परमात्मा, उसकी खोज होगी तो अब वो पाप नाशक औषधि आपको मिलेगी। आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे घास जल गया उस औषधि थे, मेडिसिन थे, और फसल न्यों की न्यों रहेगी, तो आपके पुण्य बच जाएंगे और पाप नाश हो जाएंगे। और धर्मदास को बताते हैं कि आप कितने पाप कर दिए और तीर्थ पर आने का पुण्य एक भी को ना, कि तो दो मुट्ठी दाने डाल दिए वो पुण्य हो गया, इतने पाप कहाँ से कहाँ तक कर देते हो, ये सुन बताता हूँ। अब धर्मदास जी कह रहे थे, भगवान आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, आप तो शरीर में दिखाई देते हो, भगवान तो निराकार सुना है, और विष्णु जी की पूजा कर मूर्ति ले रहा और फिर भी भगवान निराकार। अब धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे कारण सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर अवतरित हुआ हूँ, यहाँ उतरा हूँ, और वेद भी यही कहते हैं, वो परमात्मा अपने निज स्थान वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपने रूप को सरल करता है, और अच्छी आत्माओं को वो कबीर देव कबीर भगवान आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है। हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो न, सुन यानी जहाँ कोई भी ना हो सतलोक के अतिरिक्त, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञान, नहीं नाद नहीं बिंद नहीं पांच तत्व आकारम। मेरा शरीर तेरे जैसा पांच तत्व का नहीं है, गुड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। परमात्मा कहते हैं, नरक परख कर देख, नौकर ले हाथ ला के देख ले मेरे शरीर के, नरक परख कर देख, नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोर ना माया। अब मेरे शरीर न देख, नोके नरक परख कर देख ले, हमारी या भौतिक काया को नहीं साकार हूँ। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है, सप्रियागात यानी वो सबसे पहला प्रथम देहधारी है परमात्मा, और वो शुक्रम अकायम अबिंदम अवर्णम असनावीरम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भय समाभ है। वो कबीर परमेश्वर कबीर, वो विद्वान रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर जी, उसका शरीर, वो कबीर परमेश्वर है, उसका शरीर शुक्रम अकायम माता पिता के योग से बना हुआ, शुक्र से बना है उसका शरीर नहीं है, और नाड़ी आदि का जोड़ जंत्र भी उसके शरीर में नहीं है, वो स्वयंभू है, वो परिभू है। अब यहाँ ये अनाड़ी वेदों के विद्वान कहलाने वाले नकली कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 8 में कहा है, परमात्मा कहता मैं अकायम हूँ, फिर स्वयंभू क्यों कहा, असनावीरम क्यों कहा, शुक्रम अकायम क्यों कहा,
तो ये अज्ञानी थे, कहते दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंद रे। यहां परमात्मा कह रहे हैं नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। परमात्मा कहते गगन सुन में धाम है, ऊपर सतलोक में सुखर में मेरा स्थान है, अवगत नगर नरेश अगम पंथ कोई ना लखे, ये खोज शंकर से मेरा जो स्थान है सुन शिखर में है, ऊपर सबसे ऊपर मेरा धाम है, अविगत नगर नरेश वहाँ राजा रूप में मैं विराजमान हूँ, राजा के समान, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 में कहा कि वो परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वहाँ से गति करके नीचे आता है। परमात्मा कहा करते थे वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वही वेद कहते हैं कि वो परमात्मा राजा की तरह कबीर देव है और ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और यही परमात्मा कबीर जी 600 साल पहले अपनी महिमा बताकर गए थे अपनी प्यारी आत्मा को। सोन गगन में हम बसे और पृथ्वी आसन थीर, धर्म दास धोखा दला इब छाणो नीर और खीर। सुन गगन में हम बसे, सतलोक में सबसे ऊपर हम रहते हैं, और तेरे सामने इब यहाँ भी बैठा हूँ। जैसे रामानंद जी ने जब सतलोक में परमात्मा को देखा और अपने सामने भी देखा, जब कहा था दोहु ठोर है एक तू और भया एक से दो, रामानंद जी कहते हैं हम कारणे तुम उतरे हो मगजो, हमारे लिए आए हो परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी बताते हैं के बोले आदमी दो साधना तुम कर रहे हो या तो शास्त्र विरुद्ध, और ये डले ये पाप तेरे न्यों के न्यों लिखे जाएंगे, पुण्य इनमें है कोनी। कहते हैं बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं सुहासा, मेरा जो शरीर है पिंड माने शरीर, ये तुम्हारे जैसा श्वास ओ श्वास से नहीं, ये बिना श्वासा का शरीर है। जैसे एक तो टायर ट्यूब होया कर जिसमें हवा भरी जा, एक ऐसे टायर हैं जिनमें हवा नहीं भरनी जाती, वो एज इट इज रबड़ के होते हैं, वो बिना हवा के होते हैं और वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो यहाँ क्या कहते हैं बोले जंद रूप में, जंदा रूप में परमात्मा बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। परमात्मा कहा करते हम गर्भ योनि से, हम किसी माँ से उत्पन्न नहीं हुए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा, तो के बना बैठे वैष्णो साधु बनकर तिलक पिलक लगा कर घंटी बजावे मूर्ति का, अगर कहते इनमें कुछ ना रखा भाई, और सुन ले तो कितने पाप करता है। कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। अपने आत्मा हमने सारे इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होना है। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास जो तू प्रतिदिन ये चूल्हा चौका करता है, यानी रोटी बनाते हो, खाना आहार तैयार करते हो, उससे पहले लिपाई भी करते हो, और उस लिपने में मड प्लस्टर करने में गाय का गोबर और जल मिला के मिट्टी मिला के बनाते थे, सफाई करते थे, और इस रोटी बनाने में खाना बनाने में, कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो प्रतिदिन तुम चौका चूल्हा चौका करते हो और ये लिपा पोती करते हो, इसमें सत्र ब्राह्मण जैसी हत्या का पाप तेरे बैंक अकाउंट में लिखा जाता है। सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। अब पुराणों में लिखा है ब्राह्मण माने भक्त, जो भगत को, वैसे तो किसी भी जीव को मारता है पाप का भागी है, और ब्राह्मण यानी भगत को जो मार देता है, ऋषि साधु संत को जो मारता है, वो कहते हैं वो पाप बहुत भयंकर लगता है उसको, और फिर कहते हैं उसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता।
ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण यानी ब्रह्म हत्या तुम्हारे लगती है जब इस मथुरा जैसे जोड़ नाते हो और इसमें कितने जीव मार देते हो यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो और 1000 ब्राह्मणा की हत्या का पाप तुम्हें यहाँ लगता है ब्रह्म हत्या का। चौके कर्मी कीट मर जाही सुख समजीव जो दर्शे नाही। चौके में यानी तुम रोटी बनाते हैं उसमें और ना जाने कितने कर्मी कीट मर जाते हैं सूक्ष्म जो दिखाई भी ना देते। और कहते हरिवाती पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े पतंगा। अरे अरे जैसे घास में हम देखा करते हैं घास जैसे ही हरे हरे छोटे छोटे नो फुदकते हैं पैर टक्का जो नौ जो कितने कूद के पड़ते हैं हरिवाती और पृथ्वी के रंग जैसे वो पता भी ना दिखता पृथ्वी के रंग में रंगे उस जैसे होते हैं और हमारे पैरों के नीचे या और क्रियाओं में मरते हैं। अरिबाती पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाई वो जीव हत्या उतरे नाही। तुम कितने ये राम राम कृष्ण हरे कृष्ण दास जैसे हम कहते हैं तारक मंत्र नहीं है और तुम इनको तारक यानी ये पाप नाशक और पार करने वाले मंत्र मानकर जाप करते हो। कहते हैं ये तारक मंत्र कोटि जपाई ये जीव हत्या उतरे नाही। ये तुम्हारे जो पाप लिखे गए ये कट्ट नहीं तुम्हारे इन मंत्रों से। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओए ओए। कहते सारा दिन में करोड़ों जीव मार कर शाम को विश्राम लेते हो तुम अपने धंधे के लिए भी काम करते हो। अपुणात्मा आपके मन में एक शंका उत्पन्न होएगी कि भी जैसे पोचा तो हम भी लगाते हैं और आजकल तो पोचा भी एक दूसरे स्टैंडर्ड का हो गया वो उस तरह लगाते हैं वो फिलाइन फिनाइल फिनोल छिड़क छिड़क कर या वैसे पोचा मारते हैं तो उसमें भी जीव हंसा होती है। अब शंका होगी कि ये तो हमारे को भी पाप लगेंगे तो यहीं इसमें इस भक्ति में और आज तक हम सुनते करते आ रहे थे उस भक्ति में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं ये वस्त्र प्रतिदिन मैले भी होते हैं प्रतिदिन इनको हम साबुन और जल से धो लेते हैं ये उज्जवल रहते हैं। ऐसे ही जिनको साबुन और जल का अभाव होता है उनके कपड़े इसे हो जाते हैं मैल में ग्रस्त कपड़े का रंग भी दिखाई नहीं देता ये सफ़ेद हैं या काले। तो पुण्यात्माओं ये जो मंत्र आपको मिला है सतनाम जो जाप है ये समझ लो आपको डिटर्जेंट वो साबुन मिल गया और जल इस सत्संग रूपी जल और सतनाम रूपी साबुन आपको मिल गया। आप जान कर नहीं करना पाप जान के पाप कौन सा है मुर्गे खाना बकरे काटना या जानबूझकर कीड़े मकोड़े के ऊपर के चाले नहीं उनसे बचने की चेष्टा करें जहाँ भी कोई जीव जंतु आगे हों और जैसे आपके रास्ते पर ही हैं और आपको नीचे रास्ता बदलने का कोई स्थान नहीं है तो आप दोषी नहीं हैं। आप चेष्टा करिए वहाँ भी पैर को बचा बचो कर उससे निकल कर आगे ठीक हो जाएं और उस दौरान कोई मरता आप दोषी नहीं हैं। फिर भी आप जैसे हलाई खेत में हल जोतता है मजदूर कस्सी से जमीन काटता उसके साथ वो कट जाते हैं आपका वहाँ काटना उद्देश्य नहीं है लेकिन पहले वाले विधान से आपको दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस परमात्मा के विधान में लिखा है कि इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा और कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारना अनजानपने में कोई ऐसे जैसे हम जो कर्म हमारे हैं स्वाभाविक कर्म उनको करते करते कोई हिंसा होती है तो वो हमारा पाप लगेंगे नहीं क्योंकि हम इस परमात्मा के शरण में आ गए। और फिर जो पाप हमारे अन्य जो लगते होते हमसे वो फिर इस सतनाम से नष्ट हो जाएंगे संचित कर्म भी हमारे इस मंत्र से नष्ट हो जाएंगे और प्रारब्ध के आने वाले दुखदायी कर्म भी हमारे इस प्रारब्ध रूपी फसल में वो खरपतवार ऐसी तरह जल जाएंगे पाप नष्ट हो जाएंगे पुण्य से इस बचेंगे। अब आप जी को ये शंका हुई कि हम भी पोचा लगाते हैं इनमें भी पाप होते हैं नहीं इस सतनाम के जाप से क्योंकि वो हमारा उद्देश्य वो मारना नहीं है हमने अपने उस स्थान को पवित्र रखना नहीं तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो
तो ये पाप पहले तो लगने थे, अब नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है, उससे कोई इत्तफाक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आकर के ये देखती है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि उसके पास प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 90% दोषी नहीं है। 10% फिर किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटी है, कोई गाड़ी में दिक्कत आई है या इसने लापरवाही करी है, वो अलग बात है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, वो सीधा जेल जाता है, उसको कोई विकल्प नहीं। तो ये जो दास आपको मंत्र दे रहा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इस पृथ्वी पर आपको रहने और करने के नियम और विधि बताई जाती है। तो जिसके पास ये मंत्र है उससे फिर ये हिंसाएं होती हैं, उनका करना उद्देश्य नहीं। तो उस लाइसेंस जिसके पास, ये मंत्र जिसके पास इस दास से उपलब्ध है, उस पर वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये प्रमाण पत्र है कि भक्त है, और भक्त कभी जान के मारा नहीं करते। और इस प्रकार आप उन कष्टों से, उन पापों से बचोगे और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाएंगे, सतलोक जाओगे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए, और यहाँ इस काल भगवान ने हमारी गणी दुर्गति कर रखी है। अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो, हम परमात्मा को दयालु भी मानते हैं क्योंकि उनके गुणों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी दया नाम की चीज़ नहीं है। कोई कहीं खेतों में कोई घूम रहा है, जंगल में, वन में, या रास्ते में कोई चल रहा है, अचानक वर्षा आ जाती है, भीगो चाहे बचो, कोई बीमार है चाहे कोठी स्वस्थ है, ओले गिर जाते हैं, मट्टा मच्छर में लागे, भाग कहीं दौड़ कर जान बचा ले तो बचा ले, कहीं फ्लड आ जाता है तो हजारों व्यक्ति बह जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। तो पुण्यात्मा, ये स्थान वो है ही नहीं, यहाँ का भगवान दयालु है ही नहीं, और दयालु परमात्मा यहाँ आते हैं हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमने अज्ञान आधार से भगवान की परिभाषा उलट सुन रखी है। हमने परमात्मा को ना पहचान कर जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान रखे है। जैसा कि कल आप जी को श्री शिव महापुराण के अंदर प्रकरण दिखाया था, ये काल भगवान जो यहाँ का भगवान है, जो काल है, भगवान माने स्वामी, कंट्रोलर, तो यहाँ का जो मालिक है 21 ब्रह्मांड का, ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष भी इसको कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी काल भी कहते हैं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं, और ये स्वयं कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को कि तुमने बड़ी गलती की है, अपने आप को भगवान मान रखे हैं, यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा, तुम भगवान नहीं हो, और हम इनको भगवान मान रहे। अपने आत्माओं, ये इतनी कड़वी दवाई है, कुनीन है, क्योंकि इस प्रत्येक सत्संग में एक ये सामूहिक सत्संग शिक्षा स्थल है, और इसके अंदर विद्यार्थी बदलते रहते हैं। हमारे भक्त अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, या वैसे भी कोई ठीक सी बात को सुनने को तैयार है, उनको समझाते हैं और कहते हैं एक बार चलियो आप सत्संग सुन लो, तो ऐसे भी पुण्यात्मा आते हैं और उनको ये प्रथम बार ये सुनने को मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो उसके लिए ऐसा होगा जैसे बच्चे के जीभ पर कुनीन रख दे, रो थूक देता है, उसको ग्रहण नहीं करता, और वो
फिर बहुत हानि को प्राप्त होता है। तो उस कुनीन को खाने के लिए उसको शुगर कोटेड कर देना अनिवार्य है ताकि आसानी से वो गले उतर जाए। तो शुगर कोटेड करने का उद्देश्य है कि जैसे एक बार ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है, ईश नहीं है, तो ये कुनीन तो दर्दी सिद्धि जीव पर, और फिर उनके प्रमाण उनकी जीवनी में लिखा दिखा दिया तो वो शुगर कोटेड होगी, फिर आसानी से गले उतर जाती है। तो ये प्रमाण आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित संस्कृत भी साथ है भाग एक, श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसमें थोड़ा सा हिंट देंगे आपको हम। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया था। ब्रह्मा जी कहे थे, जैसा कि कल आपको बताया था और पूरा विस्तार से दिखाया था, थोड़ा सा हिंट लेंगे सिर्फ थोड़ा सा। कल आपको बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहे थे मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहे थे मैं तेरा जनक। उनके आपस में युद्ध हो गया। तो ये काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने इनके दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, यानी पिलर, एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजो में प्रकाश युक्त। उनका युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं प्रकट होकर उनको क्या कहता है कि तुम भगवान हो ही नहीं, तुम वैसे ही कह रहे हो। ये देखिएगा, ये वही शिवपुराण आपको दिखा रहे हैं। ये शिवपुराण भाग एक अभी आपको दिखाया था, उसी को आगे दिखाते हैं। इसके प्रश्न नंबर 17 पर आपको ले चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 17 है शिवपुराण, और यह विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 9 में है। और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने? उस काल भगवान ने, इनके पिता ने, मेरे सकल और निष्कल, सकल माने साकार, निष्कल माने निराकार भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते, उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है यानी निराकार है, और ईश रूप सुगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। बस हम इतना यहाँ लेंगे। अब आगे आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। इस पवित्र पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु ये प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, स्वामी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, 20, 21, 22, 23 इसमें स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, इन्हीं तक जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, आगे किसी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते, और अन्य देवताओं की पूजा जो बुद्धिहीन लोग करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। पुण्यात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर।
और उस सतलोक से चलकर यहाँ आए थे इस अज्ञान को हटाने के लिए, उसी उपलक्ष में ये 5 दिवसीय समागम समारोह ये चल रहा है। जिस उपलक्ष से परमात्मा यहाँ आए थे उसी उद्देश्य से वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी एक बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ में रहते थे, इतने रईस थे, इतने रिच मैन थे, कहते हैं उनके दादे और परदादों से और पिताजी से वहाँ के राजा लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। कहने का भाव ये है कि इतना सेठ होकर, इतने पैसे घर पर होते हुए, सर्व सुख होते हुए, जिस पुण्यात्मा में परमात्मा की तड़फ है, उसकी चाह है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में कोई कमी नहीं होती, उसके संस्कार में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है, कोई त्रुटि है तो तत्व ज्ञान और परम संत की होती है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आकर के उस प्यारी आत्मा को उस मथुरा के अंदर मिले। जब धर्मदास जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे उस लोक वेद के आधार से, परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीर्थ स्नान करने जाते हो ये बहुत ही व्यर्थ है, इसका कहीं यूज नहीं है। और इन यात्राओं से आपको पाप ही पाप लगता है, पुण्य कोई मिलता नहीं। भक्ति आपकी शास्त्र अनुकूल ना होने से, शास्त्र अनुसार ना होने से, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 अनुसार के जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो तुम साधना कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये मंत्र ही जाप करण के नहीं है, क्योंकि पवित्र गीता जी में कहीं भी इन मंत्रों का प्रावधान नहीं है और कोई आदेश नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान में जो लिखा है विधान है उसी का हमने पालन करना चाहिए। इसको त्याग कर यदि हम किसी लोक वेद के आधार से, किसी ऋषि मुनि के कहने पर हम कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो शास्त्र विधि रहित है और जो व्यर्थ है, जिस कारण से हम परमात्मा के दोषी होते हैं। जो विधान को तोड़ देता है वो अपराधी होता है, धारा चाहे छोटी हो या बड़ी, अपराध उसको ने कर ही दिया। तो इसलिए हमने अपने सदग्रंथों में लिखी हुई प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते, ये 5 यज्ञ नहीं करते वो चोर हैं। और यज्ञ करने के लिए बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूज्य मानकर उसकी भक्ति करो, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, उन कर्मों का फल फिर परमात्मा आपको देंगे, वो आपके पुण्य होंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर यही है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम, वो ओम के सतर की, ओम नाम के जाप के सतर की जो परम गति होनी है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्म लोक में वो साधक चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी लोक पुनरावर्ती में है
वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर अपुनक्षीण होने पर फिर 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी अनुतम है, मेरे वाली गति भी अनुतमाम अति अश्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, ये ना सोच कि हम अभी अभी जन्मे हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कैसा होगा, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और उसके पश्चात इस अज्ञान रूप इस सारे अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात तत्वदर्शी संत से यथार्थ ज्ञान समझ कर, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी वापस जन्म मृत्यु में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और वो परमात्मा उसी भगवान की, उसी की पूजा करनी चाहिए, स्पष्ट सर्वभाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन प्रभु बताए, एक सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमेश्वर वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि उस तत्परम को और पूरे धातु ज्ञान को सब कर्मों से जो जान लेता है वो तो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, इस कष्ट का निवारण ही चाहता है, वो या संसार की कुछ भी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तब अर्जुन ने पूछा फिर वो किम तत्परम, वो भगवान कौन है जो आपसे भी अन्य है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुणात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म और उसकी साधना और पूजा गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता, और उस परमात्मा के पाणे के विस्तार के साथ जो डिटेल दी हुई है वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम ही करता है, कोई योग अभ्यास करके ही संतुष्ट है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, नहीं, इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अर्थ कर दिया है वेद की वाणी, नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां से देखना। तो यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके जो ज्ञान दिया है वो ब्रह्मणे मुखे कहलाता है, परमात्मा की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। तो 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे वो परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से प्रसन्न करना। उसके लिए बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा, ये विद्वान पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण का अर्थ विद्वान पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा को पहचान चुका है, अच्छी आत्माएं भक्त आत्माएं
ये सभी ब्राह्मण कहलाते हैं। कहते उस समय प्रारंभ के अंदर अच्छी आत्माएं उसी आधार से साधनाएं करती हैं। तो यहां स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो जानता नहीं, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का तीन अक्षर का मंत्र है नथिंग एल्स, और अपना बता रहा है मेरा केवल ओम मंत्र है नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। तो उस ओम तत्सत जो पूर्ण परमात्मा के पाने का जो मंत्र है साधना है उसके विषय में कहा कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्मा ओम तो इसने क्लियर कर ही रखा है कि ओम तो मेरा मंत्र है, और तत् ये सत ये सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष इन तीनों के तीन मंत्र हैं। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, इसका मंत्र ओम है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसका मंत्र ये तत् है, तत् सांकेतिक है यहाँ पर, और परम अक्षर ब्रह्म इसका मंत्र सत है, और ये सत भी सांकेतिक है। ये तीनों मिलकर के एक जाप बनता है जिसको तीन विधि से ही त्रिविध समर्थ है, तीन ही प्रकार से इसका सिमरण होता है, जो दास बता सकता है इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्योंकि धर्मदास जी को भी परमात्मा ने सब ज्ञान दे करके लास्ट में कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। अब प्रथम चरण में कलयुग में परमात्मा स्वयं आए, और लास्ट का जो कलयुग का चरण होगा वो कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, शराब कबाबी दुराचारी स्त्री पुरुष बुरा हाल हो जाएगा, वो भक्ति के योग नहीं रहेंगे। अब ये बीच की क्रीम है, ये अब बिचली पीढ़ी है। सन 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ, और भारतवर्ष विश्व की यूनिवर्सिटी है, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है विश्व की, और 1947 से पहले कोई शिक्षा भारत में नहीं थी। अब उसके बाद ये शिक्षा का दौर शुरू हुआ। अब बिचली पीढ़ी के हंस आप हैं जो कि आपको ये अनमोल ज्ञान बताने का आदेश है प्रभु का, नहीं तो ये अब भी रहस्य नहीं खुलता। आप कितने पुनकर्मी प्राणी हो कि इस बिचली पीढ़ी में जन्म और मनु शरीर और फिर ये ज्ञान आप तक पहुँचा, आप उस परमात्मा की कितनी प्यारी आत्मा हो, लेकिन आप बालक हो। बालक अपने आनी और लाभ को जल्दी से जानता नहीं। फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर आप औरों को भी ज्ञान देने लग जाते हो। तो यहाँ आने से आपकी बाल बुद्धि समाप्त होगी, तत्व ज्ञान से युक्त होगे, आप तो तरो तरोगे और आप रुक नहीं सकते, और हजारों को बताने की चेष्टा करोगे, मानने ना मानने वो बात दूसरी है, उसके भाग्य और दुर्भाग्य साथ है। धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। कितने दयालु परमात्मा कि ये दुष्ट लोग ये नकली संत इस मेरे ज्ञानकोरी नामों को याद कर लेंगे और ये नाम देना शुरू कर देंगे, ये अधिकारी नहीं होंगे और काल के जाल में इन प्राणियों को ले जाएंगे। पुण्यात्माओं अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जैसे कोई नकली इस दास से नाम लेकर के और फिर आप कहीं नाम देने लग जाएगा तो वो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बना रहा है, वो दुश्मन है उन प्राणियों का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे अनधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस है बनवा लो और वो गलत बना रखा है तो दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की भी बनवाने वाले की भी, एक छोटी सी बात है। ऐसे ही ये विधान है, परमात्मा स्वयं आए तब अकेले ही नाम दिया करते थे, 64 लाख शिष्य थे, और अब भी दास के ऊपर मेहर की है, और ये चाहे करोड़ चाहे अरबों आदमी नाम ले लो, नाम मत देना है ज्ञान। अब आजकल मालिक ने दया कर दी, ये आधुनिक तकनीक हमारे पास है, ये सैटेलाइट रिश्मे सारा विश्व बैठ कर एक समय में सत्संग सुन लो और नाम दे दें सबको और भक्ति कर लो। दो अक्षर की बात है, नाम के ऊपर विश्वास होना और भगवान पर विश्वास होना मुश्किल बना दिया इस काल ने, इस लोक वेद को आगे अड़ा रखा है, इस लोक वेद का इस अज्ञान का दंत कथाओं का नाश करने के लिए इतना मेहनत प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं, और जिस समय ये अज्ञान हट जाएगा फिर तो दो अक्षर की बात है, कबीर इज गॉड, और ये मर्यादा है, ये मर्यादा रखना और ये मंत्र जाप कर लो, भगवान से डरना, पाप नहीं करना, मोक्ष हो जाएगा, दो अक्षर की बात है। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करना कठिन हो रहा हमारे लिए, लेकिन
अब ये कठिन काम बहुत आसान होने वाला है। बुद्धिमान समाज है, ये बिचली पीढ़ी है। परमात्मा का आदेश है कि बिचली पीढ़ी जब आओगी सबको पार करूंगा। सबको पार करेंगे यदि आप मर्यादा में रहे और इस द्वार को छोड़कर नहीं जाओगे, आप सभी पार होगे। परमात्मा को मालूम है ये काल इनको भक्ति नहीं करने देता, लेकिन फिर भी आपकी तड़फ, मान लीजिए आपसे भक्ति साधना घनी नहीं बढ़ पाती है, तो आपको एक न्यारी तड़फ बनती है। हे भगवान आज बंतर ना हुए, हे परमात्मा आज नित नियम नहीं हुआ, यानी ऐसी अंदर से रोना आता है, तो परमात्मा की वो भी मालिक की भक्ति है। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि एक फार्मूला याद कर लो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सौ काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। और कुछ दिनों के बाद तो आपको आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे कागजहाज का अब कहीं सूझ जाए और निठोर। आप इतने ज्ञानवान हो जाओगे कि इस स्थान सतलोक आश्रम और कबीर भगवान और इस दास के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना नहीं पाओगा जो आपको सुख दे या मोक्ष दे। जैसे पुराने समय में ये समुद्री जहाज चले जाते थे, उनमें कौवे बैठ कर चले जाते थे क्योंकि यात्री खाना खाते थे, वो टूक डाल दिया करते थे, कौवा बैठ कर चला जाता था। पहले समय में ये दिशा सूचक यंत्र अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, फिर भी वो दिशा सूचक यंत्र जो है मैग्नेटिक रॉक से, चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और 100-200 किलोमीटर रात को जहाज निकल जाता था। आगे जाकर सुबह वो देखना चाहता था ड्राइवर जहाज का कि हम दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, तो अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने का उनका एक तरीका था कि ये ठीक दिशा दे रहा है या नहीं। जो कौवा वहाँ जहाज में बैठ कर चल पड़ा था, सारी रात वो बैठा रहा, तो उस समय वो कौवे को, जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मारते हैं, उसको विवश कर देते हैं वहाँ से उड़ने के लिए। तो वो उड़ कर चल पड़ता है। कौवे में एक परमात्मा की दी हुई एक ऐसी विशेष जो है बुद्धि है, ऐसा गुण है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। उसको ये डर रहता है कि कहीं कोई ये मुझे पत्थर वत्थर मारे, भागना पड़े तो मैं दिशा ना भूलूँ, वापस आ जाऊँ। तो रात्रि के समय भी वो अपने मन अंदर कंप्यूटर की तरह उस दिशा को ध्यान रखता है। तो कौवे को जब उड़ाते हैं तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बिल्कुल स्ट्रेट चलता है जिससे जहाज चला था। तो उसमें उस जहाज के जो चालक हैं वो देख लेते थे कि तुम्हारा दिशा सूचक ठीक है या नहीं, कौवा एक्यूरेट बताता है। फिर कौवा थोड़ी बहुत देर दूर तो उड़ता है, फिर देखता कहीं बैठने का स्थान नहीं, सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, और जहाज के अतिरिक्त उसको कहीं ठोर ठिकाना नहीं जहाँ वो विश्राम कर सके। तो वो उड़ अड़ा के देख जा के उल्टा आकर जहाज पर ही विश्राम पाता है। यदि जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठे तो डूब कर मर जावे। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं स्वयं अपने ऊपर ये सब उच्चारण करके, क्योंकि अप आरती, अप साजे, अप किंगर, अप बाजे, अप ताल, झां झनकारा, आप नचे आप देखणारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। ऐसी आरती माने ऐसी लीला कर रहा हूं मैं, ऐसा ज्ञान सुना रहा हूं, अपने पाने की विधि। अपने ऊपर ही उदाहरण दे दे कर कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। ये डीठ भूत है, परमात्मा इनके न गढ़न लाग रहे हैं भी। और यहाँ हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, केवल परमात्मा की यथार्थ भक्ति बताते हैं, जिससे ये जो इस तरह के जो तीन ताप हैं आप पर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रेत कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य शरीर में थी। जो निकम्मी आत्मा है वो पिटते जा छत्ते जा कुछ दिन ऐसे ही दुख सुख पाकर जाना तो उनको पड़ेगा, और जो बुद्धिमान अच्छी आत्माएं प्रेत योनि प्राप्त हैं वो तुरंत खिसक जाते हैं कि भगवान के दरबार में
गंध फैलाना ठीक नहीं। और जो निकम्मी आत्मा है उनका स्वभाव ही निकम्मा होता है, वो चाहे भूत बनो चाहे गधा बनो, उसने बकवाद करने दे मतलब उसे, वो फिर पिट का ही मान्या करे। तो परमात्मा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इवन स्मरण लाग रहे भगवान। तो ऐसे अब ये भूत क्यों बने? अब जैसा कि हम उदाहरण सुना करती है, लोक वेद सुनाते थे, मतलब श्राद्ध निकालने चाहिए गुरु जी कहते हैं। और कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के श्राद्ध किए तो उनके सब पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए पहले वाले। अरे वो भूत तुमने बनवा दिए, भूत बने खड़े, फिर वो भूत बने खड़े होंगे कौन से स्वर्ग में दिखे हुए? और कहते उनको फिर सबको तर्पण किया सबको, फिर वो रोटियाँ खान वहाँ आए, फिर स्वर्ग में के मिले उन्हें। ये बनावटी बातें बकवाद थी। तो पुण्यात्माओं अब इस भक्ति से ना तो भूत बने और ना पितर बने, और आपके पूर्वज भी जो कहीं यदि प्रेत योनि में होंगे तो सबका छुटकारा ऐटोमेटिकली करवा देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। परमेश्वर ने इस बिचली पीढ़ी के लिए कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास कलयुग में एक बार ऐसा समय आएगा मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा, जो भक्ति करेगा वो मेरी ही करेगा, नहीं भक्ति नहीं करेगा तो नास्तिक होगा ही होगा, वो बाढ़ में जाओ उसका तो कहना है क्या। पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसी स्थिति होगी। पुण्यात्माओं आज जो आग लाग रही है, कितनी गंदी मेंटेलिटी होगी हर प्राणी की, एक माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया हो जाती है तो गूटी लाना, कलबा में बकवाद करना, और इस तरह सारा दिन पागल कुत्ते की तरह इस माया के लिए भटकते रहते हैं। फिर आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप मिलावट नहीं कर सकते, आपको विष दिखाई देगा। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जैसे छोटा बालक होता है ना, और कोई किसी बोतल में कोई जहरीली पदार्थ रखा हो तो वो उसको उठाकर मुंह को लाकर पी जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अबोध बालक सर्प को पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अबोध बालक एक बिजली के तार टूट कर नीचे गिरे हुए हों, उनमें ज्वाइंट हो, स्पार्क कर रहे हों, या उसकी हाथ की रेंज में हो और वो स्पार्क कर रहे हों, उसको आतिशबाजी जानकर वो अबोध बालक पकड़ लेता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि यह सर्प कितना भयंकर जानवर है, बिजली कितनी डेंजरस है और विष कितना खतरनाक है, तो वो उस पता लग जाना इस बोतल में विष है, वो हाथ भी नहीं लगाता, औरों को भी कहता इसको छेड़ना नहीं, ये विष है। और ऐसे ही कहीं बिजली का तार टूटा गिरा हुआ, आप भी दूर भागेगा कि इसमें करंट है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। ठीक इसी प्रकार सर्प को देख कर भी वो दूर भाग लेता है और औरों को भी आगाह करता है कि वो सर्प जा रहा हो, डस लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो पुण्यात्माओं जब तक ये अध्यात्म ज्ञान आपको नहीं होगा, ये सभी मानव एक बालक जैसे हैं, विष खा रहे हैं। और जब आप स्याणे हो जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो फिर कोई इस विष को नहीं खाएगा। घना तो दूर की बात है, कहते जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जहर का किर का यानी एक कण भी पड़ा हो और ये पता लग जाए ये जहर है, विष का किर का है, कणक है, किणका है, कहते कोई खाओगा उसको? नहीं। कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ये घनी रिश्वत और चोरी तो दूर की बात है, एक नया पैसा भी अब दास देख रहा है, छोटा सा बालक ने बोला जी मैंने 20 रुपये पड़े पाए, स्कूल में जाऊं था और यहाँ लेकर आया, अपनी माँ को दिया, माँ बोली बेटा पैसे हमने रखेंगे,
उसको दान कर दे, जिस भगवान के गिरे होंगे वो पुण्य में लग जाएंगे। तो ऐसा भाव बन गया बच्चों का, ना तो 20 रुपये मिलने बच्चा तो दुकान की तरफ गोली हो लिया करे, और घर क्या कौन बतावे। तो ये फर्क पड़ेगा बच्चों, और इन छोटे बच्चों का तो घना असर होगा। यदि बचपन से ही बच्चे को इस ज्ञान में रंग दिया जाएगा, बड़ा होकर वो सपने में भी गलती नहीं कर सकता। और बड़े तो और शीघ्र समझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब आप देख रहे हो, ये दास भी देख रहा है। पहले दुनिया को लूटा करते थे जो अनजानपने में, अब उन सब बुराइयों को त्याग कर अब लूट रहे हैं, दान करते हैं परमात्मा के दोनों हाथों से, ये दान करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं, देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, ना दिया वो मांगते फरियो, परमात्मा सुने नहीं कान। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। तो पुण्यात्मा, धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, खैराए तुम्हें खैर है कि जे आत्म भोग। आप दान करोगे, परमात्मा 1000 गुणा करके आपको लौटाएगा, ये विधान है मालिक का। जैसे दान करने का क्या फल है, जैसे किसान बीज बीजता है और एक एकड़ में वो 140 किलो गेहूं बीजता है, बोता है, खूब सिंचाई करता है, रखवाली करता है, तो एक एकड़ में 50 मन, वो तो 1 मन गेहूं डाले, 50 मन गेहूं वापस कर देता खेत किसान को, 60 मन। तो पुण्यात्माओं, ये वो अक्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, ये डहर आपको मिल गया। अब इसमें जितना बीज बोओगे 1000 गुना करके आपको वापस देगा। अब जैसे अनजान व्यक्ति तो आपको यहाँ आने में भी ये सोचते हैं कि तुम तीसरे दिन भाग जाते हो, 10वें दिन जाते हो बरवाला में, तुम जो है निर्धन हो जाओगे, कितना खर्च होता है, किराया लगता है, और कार्य भी छोड़ कर जाते हो। पुण्यात्मा, वो बालक है, उनको पता नहीं। आप समझदार हो, आपको ज्ञान हो गया। जैसे एक किसान खेत में बीज बो रहा था, गेहूँ बो रहा था, एक कोई दिल्ली शहर का, बड़े शहर का, नगर का व्यक्ति किसी काम वश गांव में जा रहा था, और किसान जो है रास्ते के साथ गेहूं बो रहा था। उसने एक थैले में कोथड़ी बोला कर देसी भाषा में, एक थैले में गेहूं डाल कर काख में टांग रखे, और बैलों के पीछे हल, हल के पीछे एक पाइप सी बांध रखी जिसने ओरना कहते हैं, और गेहूं का मुट्ठा भरा थैले में थे, उस पाइप माँ के जमीन में बोता हुआ चल रहा है, बैल चल रहे हैं, वो खड़ा होकर देख रहा है, वो शहरी बाबू खड़ा खड़ा देख रहा है कि यू आदमी मेंटल है क्या, खाने की वस्तु को जमीन में डाल रहा है। तो उसने आली से पूछा भी, बैलों वाले कृपा रुकिए। आली ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, शहरी आदमी दिखा है। हाँ जी बोलो, आली बोला, किसान बोला, वो शहरी बाबू बोला, भाई तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या। अब उस किसान ने सोचा, भाई यू के कहन लग गया, आदमी दिखे सभ्य है, कहने लगे तू क्या कर रहा है, ये गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है, इसको तो बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है, ठेकों में रखा जाता है, तब भी खराब हो जाते हैं, और तुम इसको बर्बाद कर रहा है, देश में पहले खाद्य सामग्री की कमी है, लग गया लेक्चर जाड़। अब वो किसान भी जान गया कि तो मेंटल आ गया कोई, ये तो कति उल्लू आ गया, इसने पता है को नहीं। अब किसान ने सोचा, यो कोई बोला आदमी है, इसको पता नहीं प्रोसीजर का। अब किसान उसकी बात न क्यों कर माने, वो तो जाऊँ इंटेलिजेंट बनकर अपने ज्ञान दे रहा था, उपदेश दे था। किसान ने कहा कि बाबूजी बात सुनो, मैं ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, आज जो गेहूं मैं मिट्टी में डाल रहा हूं ये मुझे आबाद करेंगे। उसके आबाद गले उतरा क्यों कर, क्यों उसने देखा नहीं ये प्रोसीजर। कहने लगा नहीं, मैं नहीं मानता। तो किसान ने कहा कि आप 3-4 महीने के बाद आइयो, या बैसाख के महीने में, और फिर देखना या क्या होगा। किसान ने कहा कि आज मैं 1 मण कणक
यहाँ इस मिट्टी में डाल रहा हूँ और यहाँ से मैं 60-70 मन गेहूँ ले जाऊँगा, भूस रहेगा अलग से। ये बुआ उसका गला उतरे नहीं क्योंकि प्रोसीजर से परिचित नहीं, लेकिन किसान उस बुद्ध की बात ने क्यों मान लेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, आप जी को इतना ज्ञान हो गया है, आप इस प्रोसीजर से परिचित हो गए हो, परमात्मा के इस लाभ लेने की विधि से आप परिचित हो गए हो। अब आपको कोई न्यों कहे कि तू क्यों नाश करे है, पैसे बर्बाद करता है, तो भाड़े में पैसे रोज कहाँ से आएंगे। तो ये जितने भी आपके किराए के पैसे हैं यहाँ दान करते हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, सेवा करते हो, ये आपके पुण्य हैं। आपका तो वहाँ सारा धर्म में लग रहा क्योंकि आप परमात्मा के लिए चले हो, तो ये सारा का सारा आपके पुण्य अकाउंट में होगा। तो इस प्रकार आप अनजान व्यक्तियों की बातों में नहीं आ सकते, इसलिए आपको ज्ञान दिया जाता है, यहाँ बुलाया जाता है। अब प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले और उसको इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। धर्मदास जी क्या बताता है कि 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला मैं 68 तीर्थ नाऊंगा और गीता जी का पाठ करत हूं इस बुद्ध मुक्ति पाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा मिले स्वर्ग में स्थान, और क्या करना आगे पीछे नीम तले इन स्वर्ग तागे ज्ञान नहीं था, नोगे स्वर्ग में जाऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा भी आप राम कृष्ण के जाप करोगे, ठीक बात है, और राम कृष्ण हर भी नाशवान है, फिर तुम कहाँ रहोगे, तेरे राम भी नाशवान, श्री कृष्ण भी नाशवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, इनकी मृत्यु होगी और स्वर्ग भी नाशवान, तब तू कहाँ रहेगा। अब पुण्यात्मा होते हैं ना, एकदम सतब्द हो जाते हैं कि बात तो सारी साची है, और दो नाड़ी होते हैं वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, फिर के देखी जाएगी, देखना थी भाई तुम सामने बैठे बताने लाग रहे, भाई देख सच्चाई से परिचित हो, फिर के देखेगा गदा अपने पाछे तो कुमार देखेगा, फिर डायमंड का बोरा कड़ पर मारेगा लठ गट्टिया पर, देखना अब है यथार्थ ज्ञान को पहचानो, और इतने प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाणित को एक दूसरे से मिलाओ अपने सदग्रंथों से, और त्याग दो उस नकली साधना को, स्वीकार करो परमात्मा के आदेश को, फिर धर्मदास कहते हैं मैं 68 तीर्थ नाऊंगा। परमात्मा क्या बताते हैं उन 68 तीर्थों के बारे में, उनको कैसे ज्ञान बताते हैं कि धर्मदास जी ये तीर्थ कैसे बने, ये तीर्थ कैसे बनते हैं कि जैसे किसी स्थान पर किसी साधक ने बैठकर अपना जो है ना साधना की है, और उसने जो साधना की उस साधना के अनुसार जिसने भी जिस लोक की, मान ली विष्णु जी के उपासक ने विष्णु की साधना वहां बैठकर साधना कर ली, तो वो कहाँ गया, विष्णु के लोक में चला गया। तीर्थ क्या होते हैं, किसी पानी यानी सरोवर का सहारा लेकर के साधक जन उस सरोवर पर बैठा करते थे, आसपास बैठ जाते, वहाँ स्नान और जलपान वह आसानी से उनको उपलब्ध होता, इस उद्देश्य से कोई दरिया के किनारे बैठ जाते थे। तो वह साधक अपनी सब क्रियाओं को सब साधना की, उससे वह कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया जहाँ उसको उस क्रिया से जाना था। अब वहाँ कुछ भी नहीं है, वो तो वो स्थान है केवल एक यादगार है कि यहाँ एक साधक ने साधना की थी, जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ जी की कैसे स्थापना हुई, उस स्थान पर भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम उपदेश दीक्षा दी थी, और वो गुप्त मंत्र बताया था, वो गुप्त मंत्र ये 5 मंत्र है, 5 मंत्र उसको दिए थे पार्वती को, और पार्वती ने उन मंत्रों से जो भी लाभ प्राप्त हुआ तो पार्वती को हो गया। जब तक भगवान शिव की आयु है तब तक पार्वती भी उनके उस आयु तक वो अमर रहेगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।